एंड वेलकम टू अभिषेक प्रोडक्ट्स। मैं हूं अभिषेक और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 14 इंचेस कोल्ड लैमिनेशन मशीन के बारे में। ये कोल्ड लैमिनेशन मशीन के अंदर आप आईडी कार्ड, स्टिकर्स एंड फोटो लैमिनेशन कर सकते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप 7 इंच हैंड रोलर का इस्तेमाल करते हुए 4x6 एंड 5x7 साइज के डॉक्यूमेंट्स को या फोटोज़ को अलग अलग तरह के स्पेशल लैमिनेशन कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे 14 इंच कोल्ड लैमिनेशन मशीन का इस्तेमाल करते हुए A4 साइज़, 1218, 1319, 1236 या फिर 1240 साइज़ के फ़ोटो पेपर, फ़ोटो स्टिकर या फिर किसी भी तरह के स्मार्ट स्टिकर, ट्रांसपेरेंट स्टिकर, AP स्टिकर का के ऊपर आप ग्लॉजी, 3D, सैटन, स्पार्कल कैनवस एंड हमारा लेटेस्ट मिरर लैमिनेशन कैसे कर सकते हैं और एक यूनिक प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। यहाँ पे प्रिंट किए गए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है एप्सन का L4260 प्रिंटर, जो कि एक 4 कलर इंक टैंक, इको टैंक प्रिंटर है, जिसके अंदर A4 साइज़ के प्रिंटआउट्स आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए बड़े साइज़ के पेपर्स हमने 180 GSM के फोटो पेपर पे यूज़ किया है और जो छोटे साइज़ के डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर हमने 270 GSM का लैमिनेशन इस्तेमाल किया हुआ है। तो चलिए मैं आपको डेमो शुरू करता हूँ। लैमिनेशन हमारे पास रोल फॉर्मेट एंड A4 फॉर्मेट में अवेलेबल है। अगर आपका छोटा ऑर्डर है, बल्क ऑर्डर नहीं है और अगर आपको कन्वीनियंस चाहिए A4 साइज़ की, तो आप ये A4 साइज़ के डॉक्यूमेंट्स हम A4 साइज़ का लैमिनेशन हमसे ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.abhishekid.com या फिर आप हमें बल्क ऑर्डर्स के लिए व्हाट्सएप के द्वारा भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। सबसे पहले मशीन को तैयार करने के लिए आपको यूज़ करना है फोम बोर्ड। तो फोम बोर्ड अरेंज करने के बाद आपको मशीन को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अलाइनमेंट करना होगा, जगह बनानी पड़ेगी। मशीन और फोम बोर्ड को इस तरह से सेट कीजिए ताकि जो फोम बोर्ड है वो टाइटली रहे इन नॉब्स के द्वारा और आराम से रोलर घूम सके। ऊपर की तरफ हमने इस मशीन में सिलिकॉन रोलर दिया है जो कि 14 इंचेस वाइड है और इसके ऊपर हम लोग A4 साइज का स्पार्कल लैमिनेशन करने वाले हैं। स्पार्कल लैमिनेशन अगर आपको नज़र आ रहा है तो वो इस तरह से चमकी देता है और इसके ऊपर मैं आपको लैमिनेशन करके बताता हूँ। जो स्पार्कल लैमिनेशन हम लोग आपको देंगे वो A4 साइज से थोड़ा बड़ा रहेगा ताकि आप उसके A4 डॉक्यूमेंट को आसानी से लैमिनेट कर पाएं। लैमिनेशन करने के लिए सबसे पहले रिलीज पेपर को हल्के से निकालें और उसे फोल्ड करके रोलर के पास प्रेस कर दें ताकि आप अपना डॉक्यूमेंट आसानी से रोल कर पाएं प्रेजर के साथ। इस तरह से आपको अपना लैमिनेशन का जो है उसे स्टिक कर देना है और पेपर को इस ओरिएंटेशन में रखें, हैंडल को अपने सामने रखें, पेपर को सीधा रखें ऊपर की तरफ और फिर हैंडल घुमाना शुरू करें। तो इस तरह से आपका जो है स्पार्कल लैमिनेशन तैयार है। इतना सिंपल काम है, इतना इजी काम है। अगर आपने इससे पहले मेरे रोल कोल्ड लैमिनेशन का रोल का इस्तेमाल करते हुए आपने मेरा डेमो देखा होगा इसी मशीन के ऊपर, उसके अंदर बहुत मुश्किल था करना, बहुत हार्ड था, बट अभी हम स्पार्कल लैमिनेशन इतना आसानी से कर दिया है क्योंकि यहाँ पे आपको परफेक्ट A4 साइज़ के कटिंग मिल जा रही है जो कि एकदम मार्जिन के साथ है। अलाइनमेंट भी आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आती और अच्छा खासा स्पार्कल लैमिनेशन आपको इसमें दिख रहा है। मैं यहाँ पे आपको कैमरे में रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ बट इसकी जो रियल ब्यूटी है आपको वो खुद ही देखने पर ही समझ में आएगी। तो यह है स्पार्कल लैमिनेशन। अगला हम शुरू करते हैं। लैमिनेशन करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट को इस तरह से फिनिशिंग देनी ज़रूरी है। यहाँ पे फिनिशिंग देने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं रोटरी कटर, जो कि आसानी से किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट, चाहे वो 100 GSM का हो या 800 GSM या 300 GSM का, अप टू 600 GSM पेपर एंड अप टू 800 माइक्रॉन प्लास्टिक को ये रोटरी कटर आसानी से फिनिशिंग दे सकता है। यहाँ पे हमने फ्लैश कट किया है रोटरी कटर के द्वारा और ये है स्पार्कल लैमिनेशन जिसकी फिनिशिंग शानदार आती है। यहाँ पे मैंने आपको मोबाइल के कैमरे से रिकॉर्डिंग करते हुए आपको दिखाया है बट इसकी रियल ब्यूटी जब आप इसे खुद विजिट करेंगे, देखेंगे, तब आप इसे देख सकते हैं। अगला जो डॉक्यूमेंट हम लैमिनेट करेंगे वो है कैनवस लैमिनेशन, जो कि कुछ
इस तरह से दिखता है। इसके ऊपर हल्के हल्के मैट फिनिश के लाइंस रहते हैं और ये सैटन मैट एंड ग्लॉजी के बीच का एक फिनिशिंग देता है। तो जल्दी से इसका मैं आपको डेमो करके बताता हूँ। यह है सैटन मैट लैमिनेशन। इसकी रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ ऊपर की तरफ इनकैंडेसेंट लाइट्स लगी हुई है और इसका रिफ्लेक्शन आप देखिए किस तरह से आ रहा है। यहाँ पे किसी भी तरह का ओवर शाइननेस या फिर ओवर ब्राइटनेस नहीं है। अब हम इसकी फिनिशिंग करते हैं, जो इसके एक्स्ट्रा एजेस है उन्हें काटते हैं। ये था कैनवस लैमिनेशन। अब इसका अगला है लैमिनेशन, जो कि जिसके अंदर बॉक्स शेप के डिजाइंस बने रहते हैं। मैं अब इसका डेमो करके बताता हूँ। यह है 3D लैमिनेशन, जो कि किसी भी फंकी प्रोडक्ट या फिर फंकी डिस्प्ले के लिए, बच्चों के लिए या फिर किसी भी सुपर डुपर इवेंट के लिए बहुत ही अच्छा लुक देता है। यह है 3D लैमिनेशन। अगला है सैटन मैट लैमिनेशन या फिर ओनली मैट लैमिनेशन। ये लैमिनेशन तब के लिए बहुत अच्छा और किफ़ायती है जब आपके पास बहुत ज़्यादा लाइट सोर्स है या फिर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन है, तो उस रिफ्लेक्शन को कम करने के लिए आप सैटन मैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब इसका डेमो करके बताता हूँ। यहाँ पे एक रिंग लाइट डाल रखी है हमने और उसको एकदम पास में भी लेके जा रहा हूँ तो भी किसी तरह का टॉर्च रिफ्लेक्शन इसके ऊपर नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ ऊपर की तरफ भी हमने लाइट्स हैं और उसके होने के बावजूद भी इसके ऊपर किसी तरह का टॉर्च रिफ्लेक्शन नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है अगर लाइट रिफ्लेक्शन आपकी एरिया में बहुत ज़्यादा है या फिर आपके रूम में लाइट रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो आप मैट लैमिनेशन का इस्तेमाल कीजिए। अब इसकी फटाफट फिनिशिंग करते हैं। तो ये है ग्लॉजी लैमिनेशन और इसके अंदर हर चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। यहाँ आपको रिंग लाइट दिखाई दे रही है, ऊपर की छत की जो लाइट्स हैं वो दिखाई दे रही हैं। तो अगर आपके लाइट सोर्स या इल्यूमिनेशन बहुत ज़्यादा है आपके रूम में, तो ये लैमिनेशन आपके काम का नहीं है। अगर आप इसे बस कुछ ब्लिंकी या फिर शाइनी आइटम अंदर प्रिंट कर सकते हैं तो उसके लिए काफ़ी है, बट अगर मॉडरेट लाइट है और लाइट का अच्छा कंट्रोल है तभी ये लैमिनेशन काम का है। इसे कहते हैं ग्लॉजी लैमिनेशन। तो ये है ग्लॉजी लैमिनेशन और अगला है हमारा लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट मिरर लैमिनेशन। मिरर लैमिनेशन की जो शीट होती है वो थोड़ी अलग होती है बाकी सारे लैमिनेशन से। बाकी सारे लैमिनेशन में डबल लेयर शीट आती है, जबकि मिरर लैमिनेशन के अंदर हम आपको 3 लेयर लैमिनेशन करके बताते हैं। तो इसके ऊपर एक रिलीज पेपर है, इसके पीछे की तरफ एक रिलीज पेपर है और इसके बीच में गमिंग वाली कोटिंग है। एंड इसका जो एंड आउटपुट है वो कुछ इस तरह से दिखता है, जो कि मिरर लैमिनेशन है। अब मैं आपको जल्दी से इसका एक डिटेल डेमो करके बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपने पेपर को मैच करना है। अगर पेपर की जो एक्स्ट्रा मार्जिन है आपके कम्फर्टेबल रेंज में है तो उसे उतना ही रखें या फिर थोड़ा कट कर सकते हैं। और फिर इसका ऊपर की तरफ किसी भी एक तरफ का रिलीज पेपर निकाल लें। रिलीज पेपर काफ़ी पतला है क्योंकि हमने उसे ट्रांसपेरेंट रखना था, तो रिलीज पेपर निकालने के लिए आपको थोड़ा नाखून का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे उसे निकालने में, बट एक बार आप इसे सीख लें तो आप जल्दी से जल्दी इसका काम कर सकते हैं। रोटरी कटर होने के बाद मिरर लैमिनेशन की आपको तीसरी कोटिंग निकालनी है। यहाँ ऊपर का जो रिलीज पेपर होता है वो भी पतला ही होता है, तो उसे निकालने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी और अगर आपके नाखून हो तो काम बहुत ही आसानी से हो सकता है। तो यहाँ पे हमने मिरर लैमिनेशन का थर्ड जो लेयर था वो भी निकाल दिया। अब ओनली सेंटर का लेयर बचा है जिसके अंदर गमिंग है। यहाँ पर मैं आपको टच करके बता रहा हूँ, यहाँ पर ये देखिए गमिंग है इसकी। ये जो गमिंग है, ये गमिंग हम इस्तेमाल करेंगे किसी भी कांच या फिर विंडो के ऊपर चिपकाने के लिए। यहाँ पर क्योंकि मेरे पास
ये साइज का विंडो है, तो मैंने एक 4x6 इंच का पेपर लिया और उसके ऊपर मिरर लैमिनेशन किया और उसका आउटपुट आपको इस तरह से दिखा दिया। ये देखिए, अब आपका यहाँ पे अगर मैं यहाँ से स्क्रैच भी करूँ या कुछ भी करूँ तो भी ये डॉक्यूमेंट को कुछ भी नहीं होगा, ये ख़राब हो ही नहीं सकता। बट वहीं अगर ये पीछे की तरफ मैं हाथ ले जाऊँ और फिर अपना नाखून करूँ तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट का जो लैमिनेशन है निकलना शुरू करता है, इसीलिए इसे कहते हैं मिरर लैमिनेशन, क्योंकि ये पीछे की तरफ से चिपकता है सामने की तरफ से नहीं। इसका एप्लीकेशन बहुत ही वाइड रेंज का है, आप इसे एक्रेलिक फ्रेम्स, पैनल्स, विंडशील्ड ग्लास, हाउस विंडोज़, किसी भी तरह का पेमेंट QR कोड करने के लिए या फिर किसी भी टिकट काउंटर में पोस्टर लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्स के लिए इसका एक खास एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन को करने के लिए आपको हम रोल फॉर्मेट में भी प्रोडक्ट दे सकते हैं एंड A4 साइज में भी प्रोडक्ट दे सकते हैं। एंड इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको चाहिए होगा कोल्ड लैमिनेशन का मशीन जो कि 14 इंच का होता है, और साथ ही अगर आपके पास रोटरी कटर हो तो आप फिनिशिंग भी अच्छे से दे पाएंगे। तो ये है सिंपल मिरर लैमिनेशन, और इसे प्रिंट करने के लिए आप चाहें तो एप्सन का इंकजेट प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं A4 साइज़ का, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं 3019 डिजिटल प्रिंटर जो कि अलग अलग फॉर्मेट्स एंड मीडिया के अंदर आपको प्रिंटआउट दे सकता है। तो दिस इज़ मिरर लैमिनेशन, बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है। इसे कुछ लोग रिवर्स लैमिनेशन भी कहते हैं या विंडो लैमिनेशन भी कहते हैं, बट इसका करेक्ट नाम है मिरर लैमिनेशन। तो अगर आप हमसे ये प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के द्वारा abhishekid.com, या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप के लिंक के थ्रू, जो कि नीचे कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन दोनों के अंदर ही आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।